भाई साहब, मॉन्स्टर वर्स की हिट लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है, या फिर यूं कहो कि जुड़ ही गया है। भाई साहब, गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी आ चुकी है और अपन ने देख ली है। और इसमें एक्शन कैसा है, वीएफएक्स कैसा है, क्या वो लेगेसी ये लोग बरकरार रख के आ चुके हैं जो पहले से इन्होंने कायम करी थी। बाकी उसके बाद स्टोरी प्लॉटिंग, स्टोरी कैसी है, देन उसके बाद जो न्यू एंट्री हुई है विलेंस की और अपने जय वीरू जब साथ में आए हैं, ये सारा नज़ारा कैसा है। भाई साहब बस 2 मिनट, क्योंकि यही चीज़ अपन यहाँ पर बताने को आया है। और एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई करना है या फिर लो करना है, मूवी देखने का प्लान कर रहे हो, तो बस यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई साहब एक लाइक एक सपोर्ट और ये जर्नी यूं ही चलती रहेगी और मजा आ जाएगा। बाकी शुरुआत करते हैं भाई साहब गॉडजिला एक्स कॉन्ग, ये वो लेगेसी जो मेकर्स अपनी लेगेसी बना के आ चुके थे बिल्कुल बरकरार रखती है। और भाई साहब ये मूवी बहुत 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 नाम कमाने वाली है, क्योंकि इसमें जो भी जितना कुछ दिखाया गया है एक फाइन तरीके से दिखाया गया है, जो वर्थ करता है उससे कहीं ज़्यादा गुना एफर्ट मार के दिखाया गया है। भाई साहब डायरेक्टर ने डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम दिया है, विजन जिस हिसाब से भाई साहब इन्होंने रखी है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हम देख कर आ चुके थे कॉन्ग स्कल आइलैंड में, देन उसके बाद गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में, तो ऐसा लग रहा था कि यार सब कुछ रिपीटेड ना हो जाए। लेकिन भाई होलो अर्थ का जो कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, देन वहाँ से जो सिग्नल्स आए हैं और जो न्यू एंट्री हुई है, भाई एंट्री की बात करें गॉडजिला की जब एंट्री होगी मजा आएगा, अपने कॉन्ग भाई की जब एंट्री होगी मजा आएगा, देन उसके साथ स्कार किंग, देन उसके साथ सिमो की एंट्री होगी, भाई साहब सभी की एंट्री फाड़ एंड दमदार होने वाली है। मतलब गूज बम्स अगर आपने सुना है ना, तो यहाँ आप फील करके जाओगे, जबरदस्त फील करके जाओगे। और सबसे बड़ा जो ब्रेथ टेकिंग मोमेंट होगा, डेडलीस्ट मोमेंट होगा आपके सामने, जो मुझे बहुत ज़्यादा टच करके गया है, भाई अपने जय वीरू की जोड़ी गॉडजिला और अपने कॉन्ग की जोड़ी, जो वो प्यार देखने को मिला, जो वो केमिस्ट्री देखने को मिली इन दोनों के बीच में। जानी दुश्मन हम इन्हें देख चुके थे कहाँ पर, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में, लेकिन वो प्यार उमड़ना इतना ज़्यादा, एक दूसरे को समझना और वो केमिस्ट्री का इतना फ्लो करना, लिटरली भाई साहब तशरीफ फाड़ के जाएगा आपकी। देन उसके बाद भाई स्टोरी प्लॉटिंग की बात करें तो फर्स्ट हाफ दमदार था, यानी स्टोरी प्लॉट करी गई है और अच्छे से प्लॉट करी गई है फर्स्ट हाफ में, लेयर बाय लेयर, मतलब रीजनल सिचुएशंस दी गई हैं, जबरदस्ती एवं कुछ भी नहीं दिखाया गया है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आते ही भाई बूम, बिल्कुल लिटरली बूम हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग फट जाएगा। और वहाँ पर जो सारी चीज़ें, भाई एक्शन के बेस पर ये मूवी है और एक्शन पे ही इतना ज़्यादा अच्छा काम किया गया है, डायरेक्टर की डायरेक्शन में कहूँगा ऑसम थी। देन उसके बाद वो विजन, क्योंकि ये यहाँ पर सब इमेजिनरी कैरेक्टर हैं और उनको एज नेचुरल दिखाना, क्योंकि भाई भारी भरकम शरीर है उनके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, बस उसके डिंडोल के हिसाब से उनको एक मोमेंट दे सकते हैं जो बिल्कुल नेचुरल लगे, वो चीज़ दमदार लगी भाई साहब यहाँ पर। और अपने जो छोटू कॉन्ग है, यानी अपना जो सुखो, भाई साहब कॉन्ग और सुखो का जो बॉन्ड दिखाया गया है उसके हिसाब से जो स्टोरी बिल्डअप करी गई है, वो एक एक चीज़ आपको हिट करके जाएगी। मतलब वो एक वेल मैच्योर्ड इंसान नहीं होता है जो अपनी लाइफ में कभी अकेला हो जाता है, लेकिन किसी ऐसे को देख के वो उससे टची फील करता है। देन उसके बाद वो एक फैमिली वाला मोमेंट हिसाब किताब से, भाई वो आपको फील हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा भाई साहब, मूवी में रिलेट करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ जो नया और कुछ दिखाया गया है वो इसको ओवरशैडो करके गया है, डोमिनेट करके गया है, तो वो चीज़ भी दमदार लगी। उसके बाद भाई विजन की बात करें, एक नई वर्ल्ड में एंट्री, यानी होलो अर्थ के एक नई वर्ल्ड में आप एंट्री मारोगे, आप थिएटर के अंदर जाओगे ऐसा लगेगा कि भाई आप एक नई वर्ल्ड में एंट्री मार चुके हैं, और यहाँ पर ना आपको मज़ा आ रहा है क्योंकि वो सुकून मिल रहा है आँखों को। और भाई साइन लैंग्वेज पर बात चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल करा भी नहीं गया है इस बार, इतने ह्यूमंस को दिखाया भी नहीं गया है, न्यू क्रिएचर्स को इंट्रोड्यूस करा गया है, उन्हें दिखाया गया है, और समटाइम हॉरिफाइंग लगेगा, थ्रिल आएगा, लेकिन भाई साथ में मज़ा भी आएगा क्योंकि आंखों को सुकून देके जाता है। और मॉन्स्टर वर्स में हम एक्सपेक्ट ही क्या करते हैं भाई साहब, कि ठीक है डार्कर से डार्कर आप जितना दिखा सकते हो दिखा। देन उसके बाद पॉजिटिव पार्ट की बात करें तो टाइटन्स में अपने गॉडजिला और कॉन्ग भाई साहब तो इसे पॉजिटिव में बदल ही देंगे, तो वो चीज़ भी ऑसम लगी। बात करें सबसे मेन एंड ऑफसम पार्ट की, भाई साहब वीएफएक्स एंड इसके एक्शन, एक्शन में तो फिलहाल कोई कमी नहीं है, वो ट्रेलर से ही आप पता लग जाएगा, एक्शन को क्या ही यहाँ पर डिनोट करें या फिर डिस्क्राइब करूँ मैं यहाँ पर, एक्शन दमदार है भाई, बहुत बहुत दमदार है। जब भी ये आमने सामने आएंगे स्कार किंग और देन सेमो वो, और यहाँ पर अपने गॉडजिला भाई और अपने कॉन्ग भाई साहब, भाई स्कार किंग की धज्जिया जैसे ट्रेलर में एक मोमेंट के लिए उड़ाई गई थी, वैसे अपना गॉडजिला अपना कॉन्ग भाई उसके धज्जिया उड़ाते नजर आया है। दैट्स माय रिव्यू। बाकी मॉन्स्टरवर्स से आप भी कनेक्शन रखते हो और इस मूवी के लिए वेट कर रहे थे, जाओ और देखो, यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक जरूर करना।